अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक सबको ठीक ही रखे। आज तो ना मैं ठीक हूँ ना फरहान ठीक है, मुझे बुखार हुआ है थोड़ा, और उनका अभी आपको बताइए कि पाँव नहीं ठीक है। मैं इनका चलो मेडिसिन वगैरह लेने जानी है, भी जाने लगी थी। मैंने कहा चले ब्लॉग भी बना रहे साथ में। एक सब्सक्राइबर ने ना किया हुआ है हमें कि ना आपने जब इंजेक्शन लगवाना है ना तो साथ वीडियो बनवानी है। अब मेरी तबीयत इतनी साथ नहीं दे रही, गला मेरा ख़राब है, बुखार हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पे जाके ना वीडियो बना सकूँगी। कोई नहीं, आके भी मैं बता दूंगी मेडिसिन ला के, ठीक है? उनके भी हम डिमांड जल्दी पूरी कर देंगे। अब डॉक्टर इजाज़त भी तो नहीं ना देते हैं कि वो कैमरा हम वहाँ पे लेके जाएं और फिर इंजेक्शन लगाते हुए वो वीडियो वगैरह बनाएं, इसलिए उनसे माजरत है हमारी कि हमसे वो ना व्लॉग नहीं बन रहा। वो कह रहे थे इंजेक्शन का रिएक्शन हमें लाजमी, तो उस बहन से मेरी अभी माजरत है। अभी मेरी तबीयत तो ख़राब है, मुझे पता है इंजेक्शन लग जाना, लेकिन अब डॉक्टर ने लगाने नहीं देना। उन्होंने कहना आप बीमार है तो फिर भी आप लोग बना रहे हो, इस वजह से। चक्कर चल जाने यार, तू के जाऊँगा ये का क्या? ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਏ ਜੀ, ਚੱਕਰ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਨਾ ਤੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗਈ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਬਾਏ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਬਾਏ ਕੋਈ ਆ, ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਓ ਬਾਬਾ ਆ ਗਏ, ਇਸਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਹਮ ਅਭੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੁਖਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਗਈ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਜੀ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਇਸ ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਮਾ ਕੋ ਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਕੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਆ ਆ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਜੋ 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 ਆਜੋ, ਚਲੋ ਆਜੋ ਅੰਦਰ ਆਜੋ 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 ਆਜੋ। ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਆ ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਦੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਗਾਇਜ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ। ਜਬ ਸੇ ਖਾਈ ਹੈ ਇਤਨਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਘਬਰਾਹਟ ਅਜੀਬ ਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜਬ ਸੇ ਮੈਨੇ ਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਾਨ ਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਪੱਟੀ ਖੋਲਣੀ, ਔਰ ਸਾਥ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਦੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸੇ ਨਾ ਇਨਕਾ ਪਾਣੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਮਕ ਡਾਲ ਕੇ ਨਾ ਵੋ ਨਾ ਧੋ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੋ ਵੀ ਧੋ ਦੋ, ਉਨਕੀ ਪੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਾਲਿਸ਼ ਜੋ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਤਾਂ ਵੋ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਨਕਾ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਜਬ ਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ
क्या बात है, आज जड़ी मेरी मैडम वहाँ भी सो गई है, इसके बाबा भी यहाँ लेटे हुए हैं तो सो ही रहे हैं। मेडिसिन खा के ना ये भी लेट गए थे, इसलिए वो भी लेट गए हैं। तो उठाती हूँ अब, मैडम ने वो शर्ट वगैरह उतारी हुई है तो लेटी हुई है, उठाती हूँ इनको, इनकी पट्टी वगैरह खोलनी है, खोल के तो फिर इनका धोऊंगी और उसके बाद वो चोट वाला ना वो मालिश वाला तेल पड़ा हुआ वो लगाऊंगी, अल्लाह पाक खैर करे। ये बेचारे ठीक नहीं हुए अभी, और मैं पहले उठ जाओ जनाब, पाँव दो ना आपका, अम्मी कह के नहीं गए थे, कह रहे थे पाँव इसका ना गर्म पानी से ना धो देना, मैंने कहा चलो ठीक है, पाँव दो ना अभी, ये पट्टी खोलनी है आपके, मैं कहा चलो ये वाला काम तो करूँ। तबीयत मेरी अपनी भी ऐसे ही हुई है, अपनी मेरी तबीयत भी ऐसे ही है, पता नहीं क्या है। सुबह का रात में हाल में वो जो जूस पिया है ना वो पता नहीं ज़्यादा ठंडा था कि क्या था, बस वो गला मेरा ख़राब हो गया और उस वजह से बुखार हो गया। आलो जी पट्टी में थलाई है, आ वाली चीज़ जड़ी है ना, आ वाली हले भी इतने स्वेलिंग है ना देना, आ वाली चीज़ से इस करके तो हाथ भी नहीं ला देते दे। चेक करें ना पानी, हूँ मैं लेके आई हूँ पानी, चेक करें वो ज़्यादा गर्म तो नहीं, अंदर नमक डाला हुआ है, मैं ना साबुन पकड़ के लाई, कह रहे थे डिटॉल के, हाँ ज़्यादा गर्म है। चलो जनाब कह रहे हैं कि ज़्यादा गर्म है पानी, चलो मैं मिक्स कर लेती, वो ज़रा गर्म होगा तो फिर ही ज़रा हीट पहुँचेगी पाँव को, ज़्यादा गर्म है, अच्छा कहते हैं ज़्यादा ही गर्म है। डिटॉल साबुन वो पड़ा हुआ है, पहले इनको पानी दो जनाब, पानी जो है ना वो ज़्यादा ही गर्म है, कह रहे पानी रखा जाना, मैंने कहा चलो ठीक है। हेलो हेलो पानी पाओ ना, वैसे इतना ज़्यादा ठंडा ना करना, फिर फायदा कोई नहीं होना है। हाँ बिको मैं आ रही हूँ, साबुन लेके आई मैं, अभी धो दूँगी ना पाँव, पाँव धोऊँगी उसके बाद वह फिर उसके बाद ना वो तेल लगा के ना इनके फिर दोबारा पट्टी कर देनी है, अल्लाह करे इनका पाँव ठीक हो जाए, अभी पाँव नीचे नहीं लगता है, बेचारे लंगड़े लंगड़े साढ़े ना तोल पाते। हाँ क्या हुआ की होया जे, हाँ ज़्यादा दर्द होती, पाँव गर्म है इसमें, पानी गर्म है इस वजह से, फिर थोड़ी देर रखे ना, ज़्यादा ना रखें, ऊपर भी पाँव के ऊपर इधर डालती हैं, फिर ही है ना थोड़ा हो जाएगी, टकोर होगी तो फिर ही है ना, एक किस्म की टकोर ही है, नमक पाया हुआ है बिच, वो तो पै गए दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही है इस वजह से, तो लेट गए जनाब, थोड़ा पोता तो हम दर्द तो होनी है ना, नीचे करे ना जरा, आप फुल ही ऊपर ले गए,
चल मैं क्या साफ भी हो जाएगा, वो उस दिन का तो ऑयल सारा लगा हुआ है। चलो वो थोड़ा साफ भी हो जाएगा साथ में, और साथ में फिर दोबारा ऑयल लगा के उसकी वो पट्टी कर दूंगी। टकोर भी है ना नाल, तद फिर दर्द भी तो होनी है ना। हाँ चलो जी, पाँव तो आपका साफ हो गया, पानी डाल दो ना अभी ऊपर के बाद निकालना है अब बहुत है। चलो लगाती हूँ अब वो भी ऊपर। तो पानी पूनी पा के टकोर टकोर हो गई है, पाँव भी साफ हो गया। अभी ये जनाब ये इनकी चोट वाली जो है ना, ये इनकी मेडिसिन है, ये लगानी है ऊपर, और उसके बाद फिर ऊपर गर्म पट्टी कर देनी है। ठीक है लगाऊंगी ना अभी तो उससे हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। बस आप दुआ करें ठीक हो जाए मेरा बंदा हजूर, ये जिदन दे पे है ना बस उदन का सारा काम फिर थोड़ी भैन ही करना पैदा है। कोई नहीं अब आहिस्ता आहिस्ता ही है ना, दर्द हो रही है अभी भी दर्द हो रही है इनके। वाह लगने दो थोड़ी देर। चलो वैसे वो ऊपर लगा दो ना मेडिसिन। ऐसा फिर हले खुला छड़ा हले, मैं कह रही हूँ लगा दूँ फिर हवा लग जाएगी ज़्यादा ही पाँव को। आहिस्ता आहिस्ता ही इनकी करनी है क्योंकि ये लगा के ना ज़्यादा देर वो नहीं करते। गलती फिंगर के साथ ही ना बस आराम आराम से मालिश करते हैं। मैं कहा चलो जी ठीक है कुछ नहीं है अब हो ही जा रहा है, अब तो फिंगर भी बर्दाश्त नहीं हो रही। इधर कर ता कर जी पट्टी ससा कर देती है सानू जिदा दी करनी आई है मेडिसिन। ये देखिए अभी भी यहाँ पे बाहर निकली हुई है, लगा रही है ना मेडिसिन लगी हुई है। अब सो जा दूध पीना दूध टेबल ना पा मैंने तो घबरा बहुत पैन दे दवा खाओ पता नहीं किड्डी आई है उन्हें दे छी नहीं मैंने घबराहट हो रही है। दूध पीऊँगी या फिर जूस पीऊँगी, अल्लाह करे मेरी तबीयत भी सेट हो जाए। असी तेरे को बंदा हले ठीक नहीं हो तो दूजा भी पै गया नाल ही, कोई नहीं अल्लाह पाक नूं जो मन दे कोई गल नहीं। अभी मैंने कहा मैं जूस बना लो, मैंगो वगैरह निकाल लो, मैंगो का इनको पसंद है ज़्यादा मैंगो का खाना होता वो निकालूंगी। अब मैंने कहा अपने फ्रीजर से जनाब मैंगो यहाँ पे एक बड़ा हुआ है वहाँ जम क्या हो शॉपर से निकू जहा टिड्डू सारे मैंगो रह गया। टिड्डो से एक बड़ा और एक छोटा है जी। मैंगो इनका जूस बनाएंगे जनाब, जिस जिसने पीना है वो आ जाए। बुखार दे वेच भी चलो ठीक है गाइस, मैं फिर जूस बना लूँ तो तबीयत नहीं ठीक, नहीं तो ब्लॉग और बनाना था। आज मेरी बेटी ने आपको वो घूम घूम के भी दिखाया, वो इसकी ना नहीं है एक गेम इसने स्टार्ट कर दी है, घूम घूम के ना घूमती है फिर वो गिर जाती है फिर दीवारों के अंदर लगती है। अब बस हो गई है खाना वगैरह खा के। चलो ठीक है फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में,
बस दुआ करो अल्लाह पाक मुझे भी सेहत दे और फरहान को भी जल्दी से ठीक कर दे। और जनाब हमारी वीडियो को लाइक किया करें, आपको मैंने इतनी दफ़ा क्या है कमेंट भी कर दिया करें, कमेंट भी किया करें ना। और जो हमारे चैनल पे नए हैं जी, हमारे फैमिली मेंबर जो आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियो को भी देखा करें, ठीक है। अजकल असं ढिले ढिले हैं तबीयत की वजह ना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।